एंड इसी के साथ में इस साल भी आपके काफ़ी गाने अभी गए हुए साल में आपके गाने भी काफ़ी हिट हुए स्पेशली मोटा मुंबा जी। हाँ, तो किस तरीके से देखते हैं उसके सारे मतलब सक्सेस को? मुझे बहुत खुशी मिलती है जब एक नॉन हिंदी गाना पैन इंडिया हिट होता है और पैन इंडिया हिट होने के बाद वो फिर बाहर देशों में भी सुना जाता है। डेविड वॉर्नर ने काफ़ी वीडियोस की उस गाने पे, वो फेमस हुआ फिर काफ़ी ऑन द सोशल मीडिया। एंड मुझे काफ़ी मतलब मेरे जो हिंदी फैंस हैं वो बोलते हैं बुट्टा बामा सुना दो यार, हमें बहुत अच्छा लगता है सुनने। उनको समझ नहीं आता है क्या लिरिक्स है, क्या वो बोल है उस गाने के, लेकिन सुन के उनको अच्छा लगता है। सो लाइक दे से म्यूजिक हैज़ नो लैंग्वेज। ओके, लगता है कि उसका एक हिंदी गाना भी आपको बनाना चाहिए? मुझे लगता है उसकी जो उसका जो स्पेशलिटी है वो उसी लैंग्वेज में है और मुझे उसे छेड़ना नहीं है। एक लाइन अगर आप, हम वही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप जी ठीक है, अगर आप उसकी बात सुना दें। बुट्टा बम्मा बुट्टा बम्मा बुट्टा बम्मा ननु सुट्टू कुंटीवे जिंदगी के अटब मई जंट कट्टू कुंटीवे बुट्टा बम्मा ननु सुट्टू कुंटीवे जिंदगी के अटब मई जंट कट्टू कुंटीवे। अभी साइना मूवी से मेरा एक गाना आ रहा है बाहर, वो इसी महीने में आएगा। एंड देन उसके बाद नॉन फिल्म गाने हैं, थोड़े म्यूज़िक वीडियोज़ हैं, हिंदी में हैं, इंग्लिश में है, तेलुगू में दो गाने आ रहे हैं बहुत बड़े। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रेट ईयर। हर एक डिफरेंट लैंग्वेज में मेरे बहुत सारे अलग अलग गाने आ रहे हैं। थैंक यू।